और चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। आप बात करते हैं नैनीताल की, जहां से एक बड़ी खबर मिल रही है। और टिफिन टॉप में पहाड़ी टूटने से पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर गिर गए हैं। दोरोथी सीट पर बड़ा हिस्सा टूटने की खबर है, जिसकी वजह से निचले इलाकों के लिए खतरा बना हुआ है, जिससे लोगों में दहशत है। प्रशासन की टीम कल निरीक्षण करेगी। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार उत्तराखंड से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां भूस्खलन हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है। कुछ ऐसा ही मामला दोरोथी सीट से सामने आया, जहां पर एक बड़ा हिस्सा टूटने की खबर है, जिसकी वजह से निचले इलाकों के लिए भी खतरा बना हुआ है। लोगों में दहशत है। प्रशासन की टीम कल निरीक्षण करने पहुंचेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ में वीरेंद्र जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। वीरेंद्र, बताइए क्या अपडेट है? देखिए, जिस तरह से कल दिन में भी बारिश हुई है हल्की, और रात में भी बारिश हुई है, तो उसके बाद जो टिफिन टॉप का एक पहाड़ी वाला हिस्सा है वो नीचे गिरने की खबर है। और काफी लंबे समय से वहां पर खतरा बना हुआ था, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ सालों से जो दोरोथी सीट थी उसमें पूरी तरीके से दरारें थी, और जो पत्थर बोल्डर गिरने का खतरा नीचे के लिए बना हुआ था। हालांकि इसके लिए जो इससे पहले जो तमाम डीएम रहे, चाहे वो सविन बंसल रहे हों, चाहे वो विनोद कुमार सुमन रहे हों, या फिर जो धीराज सिंह गर्बियाल रहे हों, तो उनको भी इस बारे में लगातार जो स्थानीय लोग थे उन्होंने सूचना दी थी कि ये एक नैनीताल के लिए खतरा बन रहा है। तो उस पर कोई काम नहीं हो सका है, जिसके चलते अब पहाड़ी से लगातार जो बोल्डर हैं, पत्थर हैं, वो गिर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खतरा जो शेरवुड स्कूल के जो आवास हैं उनको लेके बना हुआ है, और जो नैनीताल के ऊपरी इलाके रहते हैं है कि जिस स्थान पर भूस्खलन हुआ है वहां पर एक टीम भेजी जाएगी, और उसके बाद तमाम चीजों का जो सर्वे होगा, और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका। चमोली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ज्योतिर्मठ के गुलाबकोटी गांव के 14 परिवार खतरे की जद में है, और लगातार बरसाती नालों की वजह से गांव में कटाव हो रहा है। लगातार बारिश के बाद में गांव के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो बरसाती नाले से गांव में कटाव हो रहा है, लोगों में परेशानी काफी बढ़ गई है, और लगातार बारिश होने के चलते लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ में चमोली से नितिन सेमवाल जुड़ गए हैं। नितिन, लगातार बारिश हो रही है, भूस्खलन हो रहा है, लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, ऐसे में चमोली में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं? जी, अगर चमोली की बात करें तो लगातार यहां कल देर रात से बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से जो जनजीवन है वो तो अस्त व्यस्त हो चुका है। इसके अलावा जो ग्रामीण इलाकों में लगातार जहां भूस्खलन पूर्व से होता आया है, वहां पे भूस्खलन बढ़ता चला जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। अगर हम ज्योतिर्मठ विकासखंड की बात करें तो पगनो और गुलाबकोटी दो ऐसे गांव हैं यहां पे लगातार भूस्खलन हो रहा है। पिछले वर्ष भी बरसात के बाद यहां पे काफ़ी भूस्खलन हुआ था, जिसकी वजह से लोगों को शिफ्ट भी किया गया था, और अब यही हालात एक बार फिर से दिखाई दे रहे हैं। चाहे हम पगनो की बात करें या गुलाबकोटी की बात कर लें, यहाँ पर जो बरसाती नाले हैं उसके आसपास जो नाले बहते हैं वो लगातार लोगों की जमीनों का कटाव कर रहे हैं, खेतों का कटाव कर रहे हैं, और गांव की तरफ लगातार ये बढ़ता चला जा रहा है। तो जिससे अभी अगर हम बात करें तो लगभग 40 से अधिक परिवार जो है वो पगनो गांव के प्रभावित हैं, और 14 परिवार ऐसे हैं जो गुलाबकोटी क्षेत्र के प्रभावित हैं। आने वाले दिनों में अगर बारिश तेज हुई तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं बढ़ सकती हैं। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि इन लोगों की पहले से ही सुरक्षित स्थान पर इनकी व्यवस्था की जाए, ताकि कोई अनहोनी ना हो। तो कहीं ना कहीं प्रशासन नजर बनाए जरूर है, लेकिन हालात जो गांव में हैं वो लगातार बरसात के बाद बिगड़ते चले जा रहे हैं। जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया नितिन आपका। और उत्तरकाशी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गंगोत्री हाईवे नेताला बिशनपुर के पास में मलबा आने से बंद हो गया। हाईवे पर सुबह से फंसे यात्री, स्थानीय लोग और साथ ही बीआरओ की मशीनें हाईवे को खोलने में जुटी हुई हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईवे पर सुबह से ही कई यात्री फंस गए हैं। कुछ स्थानीय लोग भी हैं जो कि मलबा आने के चलते बीच रास्ते में ही फंस गए हैं। टीम इस वक्त रास्ते को खोलने में जुटी हुई है, मलबे को हटाया जा रहा है ताकि आवाजाही को दोबारा से शुरू किया जा सके।